जय श्री राम, जय बागेश्वर। भक्तों, बागेश्वर धाम सरकार आज झारखंड देवघर में जा रहे हैं, जहां पर आज महादीप दरबार लगाने वाले हैं, वहां पर प्रवचन देने वाले हैं। जो आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार निकल चुके हैं अपनी गाड़ी से। बागेश्वर धाम सरकार बता दें कि पहले यहां से जाएंगे पंडाल हॉल में, जहां पर बागेश्वर धाम में खीब श्रद्धालु भक्त बैठे हुए हैं, वहां पर कुछ प्रवचन देंगे और फिर वहां से सीधे जाएंगे देवघर। जो आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार अभी यहां पर जनता की भीड़ के बीच से निकल रहे हैं, तो यहां पर काफ़ी दिक्कत का सामना देखने को मिल रहा है। यहां पर चारों तरफ से बागेश्वर धाम सरकार को घेर रखा है और उन पर फूलों की वर्षा की जा रही है। सिक्योरिटी गार्ड यहां पर बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो आप लोग देख सकते हैं, यहां पर बागेश्वर धाम सरकार की गाड़ी फंस चुकी है और सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं और यहाँ पर सभी भक्तों को तेज़ी से धक्का दे रहे हैं, क्योंकि गाड़ी नहीं निकल पा रही है। जो आप लोग देख सकते हैं लाइव दृश्य की बागेश्वर धाम में किस प्रकार से हैरानी होती है जब बागेश्वर धाम सरकार कुछ गुरुदेव वहां से निकलते हैं, तो आप देख सकते हो कि कितनी यहां पर भीड़ बागेश्वर धाम सरकार को घेर लिया है। बागेश्वर धाम सरकार यहां से जाने में कुछ बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है और सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज़्यादा हैरान है। जो आप देख सकते हो कि गुरु जी की गाड़ी नहीं कर पा रही है और यहाँ से देखो अंधा से और ज़्यादा सेवादार आ चुके हैं और भक्तों को साइड में कर रहे हैं। जो आप देख सकते हो अभी राम दरबार से निकले हैं और यहाँ पर आप देखो रास्ता बन चुका है, अब गुरुजी सीधे जाएंगे। जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो आगे निकल चुकी है और गुरुजी की गाड़ी को भक्तों ने घेर लिया है। अब बागेश्वर धाम सरकार निकल रहे हैं, जो देख सकते हो थोड़ी सी रास्ता मिली है और सरकार निकल रहे हैं यहाँ से सीधे पंडाल हॉल में जाएंगे, वहाँ से सीधे जाएंगे बागेश्वर धाम सरकार देवघर। जो आज आप लोग बने रहे वीडियो और पूरा आज का दृश्य देखें, बोलो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अब आगे का कार्यक्रम लाइव देखें, बोलो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बैद्यनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इसके बाद में फिर मुरादाबाद में 3 दिन की हनुमान कथा सुनाकर 21 तारीख को हम यहाँ आ जाएंगे और 21 तारीख से 24 तारीख तक यहीं पर दिव्य दरबार लगाएंगे। आप सबको हम बहुत विनम्रतापूर्वक एक बात बोले, बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी की महिमा। भले ही आपका पर्चा ना बन पावे, मिलना ना हो पावे, बात ना हो पावे, आपने अगर नारियल बांध दिया, 21 परिक्रमा लगा लिए, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद कर दिया, महीने में एक बार अथवा 2 महीने में एक बार या 3 महीने में भी एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर दी, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और काम भी सफल हो जाएंगे। ऐसी महिमा श्री बागेश्वर बालाजी की है, स्वयंभू बालाजी है। कलिकाल में कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं संकट भंजन बालाजी के रूप में बैठे, और यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। श्री सन्यासी बाबा के तपोबल का प्रभाव, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, परिणाम कलिकाल में धारे का सहारा बनने के लिए, इन हीनों की मदद करने के लिए, जगत में जगह जगह से धक्के खाकर आने वाले लोगों के जीवन में खुशियां भरने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। वर्तमान समय में जो अभी तक सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, संतों को पाखंडी बतला रहे थे, सनातन को नीचा दिखाकर चादर चढ़वा रहे थे, और कुछ भोले भाले सनातनी हिंदू
उनके मोह में आकर कि उनमें शक्तियां ज्यादा होती है, इस चक्कर में आकर के चादर चढ़ाने पहुंच जाते थे। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी की दिव्य शक्तियां प्रकट हुई हैं। वर्तमान में केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अनेकानेक देशों के लोग बागेश्वर धाम आते हैं, खोज करते हैं, वैज्ञानिक तर्क लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, दिमाग का उपयोग करते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगाते हैं, लेकिन आज तक हजारों लोग बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए और ठटरी के भरे अपनी खुलवा कर नहीं गए। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा इस कलिकाल में किसी की है तो वो हमारी नहीं है, श्री बागेश्वर बालाजी की है। इसलिए जितने भी प्रिय आत्मीय जन हमारे परिवार के सदस्य इस पावन तीर्थ पर आज के दिन, आज दिवस भी बहुत अच्छा है, जितने भी लोग आए हैं, यही मंगलमय हमारी विनम्र प्रार्थना है। पर्चा जब बनेगा तब बनेगा, आप हमारे चक्कर में मत पड़ो। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लो, काम सफल होकर के ही रहेगा। उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, कई लोगों की खाली झोली को भरा, निश्चित है। हाँ, नियम का पालन तो करना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि हम गाल भी बुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, नियम का पालन करना पड़ेगा। अब हम मशीन तो है कि चलो उसी को चार्ज कर लो फिर बैठा, शरीर ही है, अब आगे को लगो हमारी बुढ़ापो आ गए, ज्यादा देर बैठो तो बड़ा श्रम हो जाता, पेट कहने लगता गुरु जी रसगुल्ला ले आओ, आंखें कहने लगती सो जाओ। फिर भी हमारा संकल्प है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे। ये निश्चित है कि तुम्हारी अर्जी तो लगनी है, इसलिए आप बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, पेशी का नियम प्रारंभ कर दो। भले रोग हो, संकट हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, अलाय बलाय भूत लगे हो तो शनिवार को आ जाइए। काऊ तांत्रिकों के चक्कर में पड़ रही, आपको परिक्रमा में पानी मिल सके उसकी व्यवस्था कर ली, मंदिर को और बड़ा करवा दिया, 110 बाई 190 का मंदिर प्रांगण बनाया। अब आपको जो है दर्शन में ज्यादा देर नहीं लगेगी, सुविधा ज्यादा हो सके। खैर, साधन की आवश्यकता नहीं है, साधना की आवश्यकता, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत ना हो, इस प्रयत्न में हम लगे हुए हैं। बीच बीच में मिसकॉलन वाले आदमी आ जा, वे भी फ्री करने पड़े, कोई बीमार आ जा, कोई काउगा है, तो सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, बाकी समस्त जानकारी आप कार्यालय से ले सकते हो, और उसके बाद में हम यज्ञ हो आते हैं, फिर तुम लोगों के प्राण खाएंगे, बैद्यनाथ धाम जाएंगे, बाबा बैद्यनाथ को प्रणाम कर दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा लो। ओ हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, 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 हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत, आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से, हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु परंतु अपनी सेना घर पर भेजो, अपनी सेना हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी बाधाओं का हरण करो, हमारी बाधाओं का हरण करो, आपकी जय।
जय हो, आपकी 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 जय हो। मनी मन श्री बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। जो भी भाव लेकर जिज्ञासा लेकर आप आए हो, सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था जब कृपा होती हम पर भले ही पर्चा ना मर पाए, अगर कोई इस सामूहिक अर्जी का उपाय पूर्ण करेगा, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद कर देगा, महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देगा, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, अलाय बलाय में, धर की उलझन में जो जो पेशी करेंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा। तब बड़े भाव पूर्वक कहो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, जमीता वाले बाबा की जय, समाधि वाले बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की, सबका मंगल होवे, सबकी जय जय होवे। जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, सबकी अलाय बनाय भग जावे, खूब खूब आशीर्वाद है। जय श्री राम। बालाजी के सब लोग दर्शन कर लो, परिक्रमा कर लो, 21 नियम पूरा कर लो और जय जयकार बालाजी की करो, पेशी शुरू कर दो, जाओ सबकी जय जय हो जाए। कल शाम और इसी के साथ अब हम जो है आज्ञा लेते हैं, आप सबको आशीर्वाद, जय बालाजी की जय, बागेश्वर धाम। फरवरी 25 फरवरी कब है? 25 फरवरी अगले साल फिर पहुंचो, 251 बेटियों का घर बसाया जाएगा। साधु जी, बालाजी, हर 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 महादेव महादेव। पूज्य पाठ श्री सन्यासी बाबा का वचन है, अगर वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार बागेश्वर धाम की शनिवार अथवा मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी, बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा और बागेश्वर बालाजी की कृपा से, दादा गुरुजी के मंत्र बल के प्रभाव से और सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियों के प्रभाव से, उनकी लीला से आपके कार्य सफल होने लगेंगे। आप लोग जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, समस्या लेकर समाधान पाने आए हो, भले ही पर्चा ना बने, आप नियम शुरू कर दो, पेशी शुरू कर दो, महीने में एक बार आओ, शनिवार या मंगलवार, 3 महीने में एक बार या 5 महीने में एक बार। बालाजी ने सबकी खाली झोली भरी, लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, लेकिन बागेश्वर बालाजी ने उनकी भी जय जय करी। तो आप लोग जो भी विषय जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन आप 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम बाबा,
कलयुग के राजा हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन पुनः बालाजी को प्रणाम करके, दादा गुरु जी को प्रणाम करके, जो कलयुग के राजा हैं, सिद्धियों के मालिक हैं, पावन पीठ पर विराजमान है, उनसे कहो हमारा तुम्हारे बिना कोई नहीं है, हम आपकी शरण में हैं, हमारी हंसी मत करवाना, हमें जगह जगह मत भटकवाना, हम पर कृपा कर देना, हम पर कृपा कर देना, हम पर कृपा कर देना। दाएं हाथ की मुक्ति का सिर के ऊपर से सात बार उतारा करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुक्ति का उल्टा उतारा करो सात बार, इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। दोनों हाथों को आपस में मिलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। नेत्रों में लगा के शरीर में आपको जहां पीड़ा हो स्पर्श कराए, बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, उनके पांच श्री दादा गुरु जी महाराज की, चमिता वाले बाबा की, राम नाम भगवान की, दादा गुरु जी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम के पागलों की, बागेश्वर धाम के सेवादारों की, बागेश्वर धाम पर आने वालों की, बागेश्वर धाम का सहयोग करने वालों की, बागेश्वर धाम का विरोध करने वालों की भी। नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी माला जी, जितने भी प्रियजन आत्मीय जन आज सोमवार के दिन संध्या भैरा तक यहाँ उपस्थित हैं, प्रातः काल जिन्होंने परिक्रमा किया, बालाजी के दर्शन किए, अपनी विपदा श्री बागेश्वर बालाजी को सुनाई, जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए, जाओ आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए, जाओ तुम ज्यों ज्यों पेशी करो त्यों त्यों तुम्हारी बाधा संकट संकट मोचन बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में बंध जावे, जाओ तुम्हारी अलाय बनाए भाग जावे, जाओ तुम्हारी जय जय हो जावे। क्योंकि उन्होंने भूमिका बहुत अदा की है, तो सब कुछ देखना है, सबको लेकर चलना है, सबकी वार्ता को सुनना है, सबकी अर्जी को लगाना है। आप लोगों के लिए तो हमारा जीवन का हर दिन है, लेकिन इन सेवादारों को भी एक दिन होना चाहिए। जो बागेश्वर धाम को बागेश्वर धाम बनाने का काम करते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा यहीं बैठे हैं, तुम्हारे सामने ही बैठे कार्य निपटा रहे हैं, पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं, एक बच्ची तो लगातार अकेली है, खजुराहो से आई, माता पिता है नहीं, भाई छोटा है, लेकिन स्वयं सेवा करने अकेली आती है और सेवा करती है। ऐसे बच्चों को नहीं मिलेंगे तो भगवान भी क्या कहेगा, बालाजी क्या कहेंगे, तो सबको मिल रहा है, सब हमारे अपने हैं, पर थोड़ा सा धैर्य तो, हाँ अब जो यहाँ खड़े हैं हमारी आज्ञा है तुरंत मानो, पीछे हो जाओ, नहीं तो हम लड़ पड़ेंगे और नाराज हो जाएंगे और हम हनुमान जी को बुला देंगे, जाओ पीछे हो जाओ, हो जाओ एक मिनट में हो जाओ पीछे, तीन तक गिनेंगे हम, एक दो, बेटा बीच में कोई चिल्लाना नहीं ना रोकना है,
हाँ बीच में भी टोकना नहीं तो हमें असुविधा हो जाए। बोलिए क्या अर्जी लेकर आए हैं? घर में विवाह में रुकावट बेटे की बनी हुई है, काम अवरोध बार बार रुक जाता है, तंत्र का बंधन है, जाओ हो जाएगी, पूरे परिवार पे आशीर्वाद रहेगा। आशीर्वाद अगले बार 25 में एक जगह चर्चा चल रही है, बार बार मना हो जाता, कोई जवाब नहीं आता, 3 साल हो गए लगातार, 2020 थोड़ा सा बंधन है, बुद्धि भी उसकी उच्चाटक, हम करें दे रहे, अच्छा बच्चा है, दर्शन करवा रही हो, बहु सहित जोड़ा से बागे सुधाम आएगा, तुम्हारी बात भी मानेगा, चल हाल करियो मकान फिर मिल गई हमें लगा लिया, एक दिन बीच में लगा लिया, चलो भेजा जाए माला पक्का। अच्छा कितने साल से सेवा कर रहे हो? 3 साल से जुड़े हो? वाह, अड़तीस पेशी करनी हो? 5 हो? वाह भाई वाह, बहुत समर्पण है तुम्हारा। राम बोलो, क्या समाधान चाहते? बालाजी पूछो पूछो, फिर भी धन की तंगी बनी, बहन का निपटारा क्या करवाना चाहते? एक विषय और रह गया, हम बोलते जा रहे हैं, गलत बोले तो तुम्हें टोक देना। परिवार में सुख शांति नहीं है, उठा पटक मची, कोई भी काम नहीं होता है, धन की तंगी, व्यापार की समस्या बनी हुई है, बहन को पागलपन है, दिमाग चढ़ जाता है, उसके आगे के कैरियर को लेकर के चिंतित है, उसका घर बस जाए, दिमाग ठीक हो जाए, आर्थिक विकास हो जाए, ऐसी अर्जी लेकर आए हो, जाओ तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। अब पहले प्रणाम कर दिया था ना, अब हमने शक्तियों का आह्वान कर दिया, समय लगेगा, कोई प्रेत बाधा नहीं है, पितर कारण आया हुआ है, हमने गोला में ऊपर लिख दिया है, इसका उपाय हम कर देंगे। अनवरत आप चरणों से जुड़े रहो, जब से आपने नियम शुरू किया कंट्रोल है पर आराम नहीं है, कंट्रोल है, अड़बड़ाहट बंद कर दी, बहुत पागलपन कम कर दिया, लेकिन अब गृहस्थ जीवन का करवाना है, वो हम करवा देंगे। असम वाला एक बच्चा था, हाँ आ गया साधु जी, बालाजी असम में कहाँ रहते हैं? अच्छे से बैठो, कितनी बार आए हैं? हो हो, नियम का पालन कर लोगे? पेशी हाँ, क्या समाधान चाहिए? पढ़ो, कोख
का बंधन पत्नी को। लोहिया ने जोड़ा से आइयो, समय लगे लेकिन जय जय हो जाए, पेशी पूर्ण करियो, हनुमान जी जय जय करेंगे। मंत्र नीचे वाला, ये बहुत ही है, काली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप कर दे। अभी लास्ट में जो बच्ची मिली थी वो भी बहुत दिन से सेवा कर रही है, बिटिया जो अभी गई है लाल वस्त्र पहने हुए, उस बिटिया को भी प्रवेश करवा दो। इसके बाद में सचिन की टीम के लोग थे, सचिन की टीम के चार लोगों में से दो या तीन लोगों की आज अर्जी लगवा दो। यहाँ खाली नहीं करोगे, एक भी व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे हम। बॉबी राजा, ओ बॉबी राजा, ताकि लग के सभा खाली तो करवा दो। जो जो हमारी आंखों में आएगा उस उसको नहीं मिलेगा। लो खड़े रहो, आई कहां से हो, कब से जुड़े हो धाम से? 2 साल से नजदीक आओ। आज सन्यासी बाबा तुमने बड़ी कृपा करी, ज्यादा दिन वाले ठीक निपटवा दे, तुम्हारी जय हो गए मालिक। ऐसे ही गरीब नन की सुनत रहियो, अमीर कनक तो 20 गुरु हो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? तुम्हारा क्या हो गया है भाई का? हमने ऐसा लिखा, उत्पात भाई मचाता घर में, हैरान करता, मदिरा पान करता है, पूरे परिवार को बिखार करके रख दिया, प्रेत बाधा का प्रभाव, 2009 से समस्या, पैर में दर्द है, आज से आराम लगेगा, माँ बीमार से स्वस्थ हो जाएगी, जावासी बात है। वही जानने आए भाई, आ जाएगा एक आध बार। जीवन भर अच्छा तुम असर नहीं है तो तेरे की कारण हम आज लड़वी ठीक जाओ, यो बबूल पी लो, आज से मंगल होगा, जाओ। आइए नजदीक, कहाँ रहते हो? कितने साल से धाम से जुड़े हैं? 2 वर्ष। ओ कहाँ रहते थे धाम में? यज्ञशाला। अच्छा चलो, क्या समाधान पाना चाहते हो? अच्छा तुम्हारा एक मुकदमा का विषय है, वो काय का है? हैं? किससे, कौन है वो? तो तुम्हारा वसीकरण किस पे किया था? पढ़ो,
11 साल पुराना तंत्र है, घर में भूत बाधा का प्रभाव, सवारी आती है, सिर को जकड़ता है, गंदा तंत्र किया गया, तांत्रिक द्वारा भेजा गया, मर गया, घर भी बहुत हैरान है, मुकदमा बनाया गया था, आपका तांत्रिक से मुकदमा हो गया था, विवाद हो गया था, जमीन का भी विषय तुम्हारा फंसा हुआ है, तुम्हें संदेह है, संदेह है, चारित्रिक संदेह है, तुम्हारे परिवार को वो कब्जे में करना चाहता है, गलत व्यभिचार करना चाहता है, पत्नी को लेकर के गंदी नियत है उसकी, संदीप तेली की ही गंदी नियत है। अब कलेश ना मचाइयो, कानून को अपना करने दो, हम तुम्हारी लोग आई यहां कौन ना जान दे जो आशीर्वाद, ठीक है, बतमई नहीं गए हैं, बराबर खुश। अब पत्रो ना मचाइयो लेकर तुम भजन करियो, जा छोटे पटे ना आशीर्वाद। साधु जी मम्मी राधा जी फिर भी देख रहे हैं, बॉक्सिंग वाली बच्ची कौन सी है, आप ही हो, इधर आओ, आने देना इस बच्ची, दो मिनट मिलना भरे, अर्जी नहीं लगा, कहाँ है असम वाला, कहाँ है ये है कपट फेरो, लेकिन अभी मत ले अंगली बाग ले, पहले तीन पेशी कर ले, बाकी बाद में ले, हम तभी फलीभूत होगा, ये मिलवा देंगे, मंडल बना रहे हैं समता पूरा, और ये पूरा कंपनी खड़ी कर रहे हैं, और हर साल सेवा करने जा, आओ कहां से हो भगवान है जी, नौबतपुर तरेतपाली मठ जहां हम कथा करने गए रहे हो, का बात बात हुआ बिहार से वानी, हाँ का हाल बा, ठीक ना बा, बुरा हाल बा, राम साधु जी बालाजी, आओ नजदीक, क्या समाधान पाना चाहते, पूछो, तो मैं अर्जी तो तीन लगाई, हाँ पूछो, हाँ, और तुमने साधना कौन सी करी, दिमाग भी उच्चाटित हुआ उससे, अघोर परंपरा की साधना आई हमारे पास, जिसने पूरे घर को उच्चाटित कर दिया, तुम्हारे दिमाग को भी उच्चाटित कर दिया, ठीक है, गुरु भी ठीक नहीं था, ऐसा तीन विषय पे हमारे पे उल्लेख आया, गलत हो आप टोकेंगे, सही हो आप स्वीकार करेंगे, सुनो, घर में हैरानी बनी, उत्पात बहुत मचा हुआ है, अवैध कब्जा करना चाहता आपकी भूमि पर, अवैध कब्जा करना चाहता आपकी भूमि पर, पक्ष में निपटारा चाहते हैं, साधना की अर्जी लगाई हुई है, बालाजी की सिद्धि पाना चाहते हैं, पाना चाहते हो बालाजी की।